हाँ मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है मुटकोरे सुनील कुमार एज अ लर्नर। तो आज हम कस्टर्ड एप्पल, जिसे सीताफल कहते हैं, उसकी मैच्योरिटी यानी वह परिपक्व हुआ कि नहीं हुआ, कैसे आइडेंटिफाई करना, यह आज समझने जा रहे हैं। तो देखिए, अब नवंबर फर्स्ट से, समझो नवंबर के प्रथम सप्ताह से यहाँ बाज़ार में उपलब्ध होना शुरू हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं यह सीताफल तुम्हें सावन की मास में भी उपलब्ध हो जाएंगे। अगर उन्हाले में अगर से आप मार्च अप्रैल में अगर से पानी देते हैं सीताफल के पेड़ों को, तो उसे फ्लावरिंग आता है। और वह सीताफल अगर से फल धारना सीताफल को हो गई, तो वह मार्च अप्रैल का सीताफल सावन के माह में आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन उस मौसम का सीताफल उतना टेस्टी और मीठा नहीं होता, और जहाँ जब वहाँ सावन के मौसम में रिमझिम रिमझिम बारिश रहती है, तो वह मैच्योर हुआ या नहीं हुआ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके इसमें जो ये जो आइस है, ये इसमें गैप्स फॉर्मेशन उतने प्रमाण में नहीं होती, और वह सीताफल समझ में न आने के कारण पेड़ से नीचे गिर जाता है और बहुत भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए जनरली आप अगर से सीताफल की फसल लेना चाहते हैं, तो मार्च में आप सीताफल के पेड़ों को पानी न डालिए। तो मई और जून में, मई में आपका फ्लावरिंग शुरू हो जाता है, और मई में शुरू होने के बाद में वहाँ फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। और जनरली इस मौसम में, रेनी सीजन में, इस पे हमला, पैरट का हमला जिसे तोता कहते हैं, वहाँ फूल खाने आते हैं। तो यहाँ फ्लावरिंग अगर से खाने के लिए अगर से आते हैं, तो उनको वहाँ से हका लिएगा, क्योंकि वहाँ अगर से फ्लावर्स पूरे चढ़ जाए तो आपका फ्रूटिंग कम होगा। तो यहाँ प्रिकॉशन लीजिएगा, क्योंकि रेनी सीजन में पैरट्स को खाने के लिए दूसरा बहुत कम यू कैन से फूड अवेलेबल होता है। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीताफल के पेड़ों पे आक्रमण करते हैं, और उसका यानी फ्रूट फल है जो अपना फ्लावर है वहाँ चढ़ जाते हैं। इसलिए उस सीजन में आप जो अपन पुतले बनाते हैं सीताफल के पेड़ पुतले बना दीजिए, जिस वजह से पैरट आपके पेड़ों पे हमला नहीं करेंगे। तो फ्रूटिंग जब बढ़ना चालू होती है, तो नवंबर के प्रथम सप्ताह से आपकी मैच्योरिटी चालू हो जाती है, और इसका मैच्योरिटी का परसेंटेज जो होता है मिड ऑफ नवंबर टू एंड ऑफ दिसंबर यहाँ ज़्यादा रहता है। तो अब यहाँ इसकी मैच्योरिटी कैसे पहचाने, तो यहाँ जब ये जो आइज़ है, तो देसी सीताफल में इस प्रकार की आइज में गैप होती है। यहाँ अगर से गैप अगर से कम है, तो समझ लेना कि यहाँ मैच्योर्ड नहीं है। दूसरी ओर जिस जगह यह फल रहता है फला हुआ, यहाँ इस जगह, तो वहाँ पर कनेक्टेड होता है, आइज कनेक्टेड होती है इसको अपने स्टॉक को। और यहाँ अगर से मैच्योर हो गई, तो यहाँ पर ऐसी एक कर्व फॉर्म होता है, सर्कल फॉर्म होता है, और यहाँ जो स्टॉक होता है फ्रूट को अटैच, उसके आसपास ऐसी गैप फॉर्मेशन होती है, आधा सेंटीमीटर या तो 4 mm की गोल रिंग फॉर्म होती है। यहाँ पर भी रिंग फॉर्म नहीं हुई, इसका मतलब यह मैच्योर्ड नहीं है। और मैच्योर्ड सीताफल का ये कैसे आइडेंटिफाई करना, तो यहाँ जो स्टॉक इससे कनेक्टेड होता है, यहाँ भी चिपका हुआ है, इसका मतलब मैच्योरिटी आने को है। अगर से इस स्टॉक के सर्कल में आसपास अगर से आधा सेंटीमीटर या 1 cm का, आधा सेंटीमीटर कम से कम, या 3 mm का ऐसी गैप सर्कल फॉर्म होता है, तो समझ लेना मैच्योर्ड है। उसके बाद में यहाँ जो आइज है, इसके बीच में अभी गैप्स नहीं है। अगर से यहाँ पर अगर से गैप फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा, तो समझ लेना अगर से ये ऐसा और रेडिस कलर में यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, रेड जैसी एकदम फेंट रेड फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, और इसका कलर भी ग्रे से थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का कलर फॉर्म हो जाता है, तो समझ लेना है यहाँ मैच्योर्ड हो गया है। मित्रों, यह सीताफल देखिए, इसके जो आइज है इनमें गैप देखीजिए, और फ्लैट हो गई आइज, आइज का साइज देखिए फ्लैट हो गया है, और देखिए दो आइज के बीच में जितनी भी, तो मित्रों देखिए इन्हें आइज कहते हैं, ये
ये जो है आइज है, तो देसी सीताफल में आइज रहती है, परंतु अभी न्यू वेराइटीज जैसे सरस्वती वगैरह जो हाइब्रिड वेराइटीज है जिसका फ्रूट आधा किलो 400 ग्राम तक होता है, उसमें ये आइज नहीं रहती, प्लेन रहता है रामफल जैसे, परंतु देसी सीताफल की खासियत है ये आइज रहती है। अब कच्चा सीताफल हमने देखा है, अनमैच्योर्ड सीताफल जो परिपक्व नहीं हुआ था उसमें आइज हरी थी, अब इसका देखिए मैच्योर्ड हो गया है, 90% के ऊपर मैच्योर्ड हो गया। देखिए दोनों के बीच में देखिए रेडिश थोड़ा सा फेंट रेडिश कलर ऐसा देखिए, ये देखो, और आंख जैसे फ्लैट होना चालू हो गई है, फ्लैट देखिए, तो ऐसे अगर से फ्लैट पोर्शन आ गया तो समझ लेना यहाँ मैच्योर्ड हो गया, दोनों के बीच में गैप बढ़ना चालू हो गई। तो ये ऐसे प्रकार के सीताफल 80-90% मैच्योर्ड हो गए, इसे तोड़ लीजिएगा, क्योंकि 90% के ऊपर जैसे हो गया तो यह हमें समझ में नहीं आता इससे ज़्यादा, तो रात के वक्त जो बैट है चमगीदड़ जिसे कहते हैं बड़ी वाली और छोटी वाली, या इन पे हमला बोल देते हैं, या तो दिन के वक्त पैरट्स या स्क्वेरल जो है गिलहरी वहाँ भी उपद्रव इनमें फैला सकते हैं, इसलिए 80-90% के ऐसे मैच्योरिटी के सीताफल आप पेड़ से डीप प्लक कर लीजिएगा और उसके बाद में इसे गर्माहट दे दीजिएगा और आपको इसका स्वाद, लेट्स गो। तो मित्रों यहाँ देखिए आप, मैंने पेड़ से अभी इनको प्लग्ड किया है, तो यह मैच्योर्ड सीताफल है, देखिए इनके बीच में गैप है, ये फॉर्मेशन कलर चेंज हो गया, ग्रीन से थोड़ा सा येलोइस और रेड प्रकार का ये बीच में गैप्स इस प्रकार, तो 100% मैच्योरिटी। और ऐसे मैच्योर्ड सीताफल को जैसे तोड़े तो इसमें इजीली टूट जाता, ऐसे यानी ट्विस्ट किया ऐसा फट दिसे तो फटाक दिसे टूट जाता, ज़्यादा ताकत नहीं लगती, और ग्रीन जो कलर अनमैच्योर्ड रहा उसे थोड़ा सा ताकत लगती तोड़ने के लिए, तो यहाँ इसकी निशानी है, मैच्योर्ड सीताफल फट दिसे टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है थोड़ा सा ट्विस्ट किए तो। तो मित्रों देखिए अभी जैसे अगर से टेम्परेचर अगर से हाई रहा और ठंडी का सीजन शुरू, ठंडी अभी शुरू होने को है, तो इस पीरियड में क्या होता है सीताफल का पकना स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना गर्मी रहा उतना मैच्योरिटी में उन्हें पकने के लिए बहुत सहायक होता है तापमान, इसलिए उस सीजन में यह फलकता नहीं, क्रैक्स फॉर्मेशन होती नहीं, अगर से क्रैक्स फॉर्मेशन नहीं होते पता नहीं चलता और ऐसे सीताफल को तोड़ लीजिएगा, अन्यथा ये पेड़ से गिर जाते हैं। और अगर से ठंडी का सीजन, ठंडी अगर से ज़्यादा हो गई तो ठंडी अगर से टेम्परेचर में ज़्यादा है तो आपका सीताफल गिरता नहीं और इस प्रकार के क्रैक्स फॉर्मेशन होती है और आपको क्रैक्स सीताफल आपको पेड़ से तोड़ते आता है। अगर से सीजन अगर से कोल्ड सीजन है और ठंडी शुरू हो गई है तो सीताफल पेड़ पे पकता नहीं और गिरता नहीं, और अगर से ही टेम्परेचर अगर से हाई है और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और ठंडी शुरू होने को है तो इस प्रकार के सीताफल पेड़ को पकते हैं और क्रैक नहीं होते, और ठंडी के सीजन में ऐसे सीताफल क्रैक हो जाती है, इस प्रकार क्रैक्स फॉर्मेशन हुई और यहाँ गिरता नहीं अगर से एकदम टेम्परेचर एकदम लो रहा और खूब ठंडी रही तो, और पेड़ से अपन इस प्रकार के उस सीजन में अपन क्रैक सीताफल तोड़ सकते हैं। और यहाँ दिन में दो बार तो भी देखते, सुबह और शाम के वक्त देख लीजिएगा तो सीताफल क्रैक हुए कि नहीं हुए, अन्यथा वहाँ सीताफल आपको खाने नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैरट्स और दूसरे जितने बर्ड्स हैं आपके सभी उनमें हमला कर सकते हैं। तो सीताफल रात को भी मैच्योरिटी होती है, इसलिए एक समय सुबह 7-8 बजे के पीरियड में देख लीजिएगा और दूसरा समय 4-5 बजे के पीरियड में एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपकी मैच्योरिटी सीताफल में हुई या नहीं हुई, क्योंकि दिन भर इसको चेंज होते रहता है मैच्योरिटी और कभी भी यहाँ इसका मैच्योरनेस दिख सकता है। अगर से यहाँ आपको मेरा डिस्क्रिप्शन अगर पसंद आया तो लाइक करना न भूलिएगा, और अगले वीडियो क्लिप्स के लिए आप मेरा बेल पे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।